इन 100 सफात में बहुत से ऐसे इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं, और इस मुहिदे को मुल्क की गद्दारी के मुतरदिफ भी करार दिया जा रहा है, और ये बड़ी अहम बात है कि और इसी तरह से ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख जो है उसकी अदायगियों का रिकॉर्ड गायब होने के बारे में भी एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। ये बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में जो मुरतब की गई है। जी एनबीसी क्या कहते हैं इस बारे में, क्या जिम्मेदारों के खिलाफ अब की बार कार्रवाई हो सकेगी? हाँ हमारा देखें बात यह है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े कमीशन बने हैं, उनकी इंक्वायरियाँ हुई हैं। अब मैं गिरवाना चाहूँगा आपको तो बड़े दुख भरी दास्तान हो जाएगी, उनकी भी सिफारिशात पर अमल नहीं हुआ। अच्छा ये तो कमीशन का जो रिपोर्ट है ना, ये तो बहुत सिंपल रिपोर्ट है कि रिकॉर्ड ही गायब है। हमारे मुल्क में ख़ास अंदाज है रिकॉर्ड गायब करने का, आग लगा दी जाती है, फसाद में बर्बाद कर दिया जाता है, तल्फ कर दिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, बैरून मुल्क चोरी कर लिया जाता है। अब तो हमारे पास से हो गया, हमारे दफ्तर खारजा से हो गया, हमारे अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से हो गया, हमारी एम्बेसी से हो गया, एक एम्बेसी से पहले भी गायब हो चुका है। एम्बेसी से तो लेटेस्ट वाला वाक़ा है ना, वो भूल जाएँ कि चाहें तो ये तो फौरी वाक़ा है, और ये वाक़ा ब्रॉडशीट का ऐसा। अच्छा फिर वो $10 लाख और मांग रहा है, वो कितना बड़ा आदमी है आप देखें। हम मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था ये सबसे खेलेगा, और वो सबसे खेल रहा है। डेविड रोज को उसने अपना बना के रखा हुआ है दोस्त, और वो उसके लिए काम करता है, और डेविड रोज के ज़रिए दूसरे मामला तय होते हैं। फिर मुसावी साहब कहते हैं लाओ मैं आपकी सालिसी कराता हूँ, वो हर मैच हरवा देते हैं मैच फिक्सिंग करके। फिर कहते हैं जी मेरे तो इतना खर्च हो गया, इतने $1 लाख खर्च हो गए मेरे, आप मुझे दें, आप दे नहीं पाते तो आपको आपके अकाउंट फ्रीज करवाया जाता है। कितना क्रिमिनल, कितना शानदार क्रिमिनल वो है, कनेक्शन है कि सब मिले हुए हैं, 1 2 3 4 सब डॉट्स मिला लें आप मिल जाएंगे। रिपोर्ट आती है कि रिकॉर्ड गायब है, और ये गद्दारी है, ये धोखादही है ये, और अदायगी जो है वो मतलब गलत फहमी में नहीं हुई है, अदायगी जानबूझ कर हुई है। अब देखते हैं उस 100 सफ़े की रिपोर्ट में और उसके साथ जो मुंसलिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या क्या और है। पहले रिपोर्ट पढ़ लें उसके बाद बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता गंदम आटा चीनी कपास और बेल्जियम और वगैरह वगैरह की तरह इसके मुलजिम भी पकड़े जाएंगे, मुझे नहीं लगता। कमीशन बने और उनके भी 100 से ऊपर सफात रहे हैं, ये अभी जन साहब कहते हैं कि JIT नैब के ऊपर भी बिठानी चाहिए कि ऐसे बहुत से कमीशन बनते हैं लेकिन रिकॉर्ड कोई भी दारा गायब हो जाते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? कमीशन बनते हैं और उन कमीशन की रिपोर्ट्स आम आदमी तक पहुंचने नहीं दी जाती हैं। मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के 2 बड़े सानहात हैं जिन पर कमीशन बने हैं और जिनके हकायक जानना हर पाकिस्तान का हक है। एक तो 16 दिसंबर 1971 को जो सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ जिस पर हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी, उसकी रिपोर्ट भी विदहेल्ड की गई और अब भी उसके सिर्फ कुछ हिस्से बाहर आए हैं और बाकी जो क्लासिफाइड चीज़ें हैं वो आज तक मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरा मुल्क 2 लख्त कैसे हुआ। फिर हमने उसामा बिन लादन के वाक़े पर देखा कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क ने आके हमला किया, वो यहाँ से एक बंदे को ले गया, उसने यहाँ पूरा अपना ऑपरेशन किया, स्ट्रिंग जो भी उसे आप कह लें, स्ट्रिंग ऑपरेशन कह लें, सर्जिकल स्ट्राइक कह लें, जो भी कह लें, उसकी रिपोर्ट भी मुझे आज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं है कई सालों के बाद। अब ब्रॉडशीट वाला मामला भी ऐसा ही है कि इसकी रिपोर्ट भी शेख अजमत सईद साहब ने जो है वो जमा करा दी है, लेकिन हैरानगी की बात है पनामा की रिपोर्ट लीक हो गई, उसका चैप्टर 11 भी बच्चे को ज़बानी याद हो गया, लेकिन ब्रॉडशीट की रिपोर्ट नहीं लीक हो सकती। उसका जो कोई क्लासिफाइड कंक्लूजन हैं वो हमें नहीं पता लग सकते, जैसे हमीदुर्रहमान कमीशन के नहीं पता लग सकते, जैसे बिन लादन के कमीशन के नहीं पता लग सकते, ऐसे इसके भी जो कंक्लूजन है असल बात
बात तो यह है कि ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, लिखा क्या शेख अजमत सईद साहब ने, क्या किसी पर रेफरेंस बनाने का उन्होंने कहा है, क्या अगर वो गद्दारी का मर्तकब कह रहे हैं तो क्या किसी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा, किसी पर गद्दारी का, या जवेद लतीफ़ पर तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, क्या इसके नतीजे में किसी पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने सिफारिश की है, क्या उन्होंने किसी चेयरमैन नैब को गिरफ्तार करने के अहकाम इसमें लिखे हैं, जैसे कि पनामा में GIT बनने के बाद रेफरेंस दायर करके मॉनिटरिंग जज लगाए गए थे, इसका आगे रोड मैप क्या है? कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है कुछ जगहों पर जहां पर ताकतवर इदारों की हमें नज़र आते हैं कि उनका कहीं फॉल्ट आ जाएगा, वहां कमीशन बेबस नज़र आते हैं, और जहां पे हमें सिविलियंस का कसूर नज़र आता है वहां पर हमें कमीशन ताकतवर नज़र आते हैं। ये जो एहतसाब का फ़र्क है ये तमाम कमीशन में हर जगह 72 साल की कहानी है, और इसीलिए यहां एहतसाब को भी एकतरफा कहा जाता है, कमीशन को भी एकतरफा कहा जाता है। ये तो कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी के $60 मिलियन का स्विस का रिकॉर्ड जो है वो खोल लिया जाए अजमत सईद का, ये खबर कैसी लीक हुई है, क्योंकि जरदारी साहब का नाम था भाई, बाकी नामों की लीकेज क्यों नहीं हुई? मेरे ख्याल है मेरे पास इस बारे में कोई बहुत हतमी बात नहीं है कहने को, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जो उनको रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था उसमें क्या ये भी डिटरमिन करना था कि कौन जिम्मेदार है और किसके खिलाफ केस की वही जजमेंट भी पास करेंगे, मुझे इसके बारे में क्योंकि मालूम नहीं है, आई कांट से मच, बट आई नो इज के चाहे मंसूर एजाज साहब हो मेमो गेट में, चाहे डेविड रोज हो, चाहे ये वाला मामला हो उसमें ब्रॉडशीट वाले साहब हों, जहां कहीं भी किसी इंटरनेशनल फर्म का नाम आ जाता है हम उसे पता नहीं सहीफा क्यों समझ लेते हैं, और हम उनके पास जाते ही क्यों हैं जब खुद इस काबिल नहीं हैं कि अपने मुल्क में चीजें कंट्रोल कर सकें, तो फिर आप बाहर जाके भी फर्म्स को हायर कर रहे हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई चीजें आप एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हों कि जी हमारे एसेट्स हैं यहाँ पे, या करप्शन हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप फैसिलिटेट करें वो चीजें वापस लाने के लिए, वो तो समझ में आता है, बट यूरोप, ऑल ओवर द यूरोप एसेट मैनेजमेंट फर्म्स भरी पड़ी हैं, वो बहुत फ्रॉड करती हैं, वो सिर्फ पैसे बनाती हैं, और उनके लीगल एक्सपर्ट्स के साथ डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आपको अपनी एक आंख नहीं, दो नहीं, पता नहीं 8 लोगों की आंखें चाहिए होती हैं, लॉ एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब ये ब्रॉडशीट के साथ साइन हुआ था एग्रीमेंट, उस वक्त से उसमें ऐसे लकूनाज थे जिसको इतना अरसा, इट्स बीन 2 decades नाउ, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं देखा, और अभी ऑल ऑफ अ सडन इस पर इतना ह्यू एंड क्राई है जिसकी कोई हद नहीं। तो पहली बात तो ये कि टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, हमारी हिस्ट्री खुद खराब है और हमें खुद नहीं मालूम कि चीजों को मैनेज कैसे करना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, वो जो 3-4 points FATF में रह गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें उन्होंने कहा है हम आपकी प्रोसिक्यूशन के स्टैंडर्ड्स को जज करेंगे और उस पे मेंबर कंट्रीज बैठ के डिस्कशन करके इवेल्युएट करेंगे कि आपकी प्रोसिक्यूशन क्या इम्प्रूव हुई है, क्या आप किसी भी तरह के लोग जो पकड़ते हैं, चाहे वो टेररिज्म में पकड़े जाते हों, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जाते हों, उनको प्रोसिक्यूशन लॉजिकल एंड तक पहुंचाती है। तो अब ये 4 points आपने दुनिया को बताने हैं ग्रे लिस्ट से। ये 2008 में एक और मुम्मा हो गया, यानी सरकारी दस्तावेजात हर जगह से गायब हो जाती है, $15 लाख भी गए, और उसमें कहा जा रहा है कि ये नहीं, ये सिर्फ नाहली नहीं कही जा सकती, गफलत नहीं कही जा सकती। जस्टिस टाइट शेख अजमत सईद साहब ने ये जो जबरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, बड़े जहीन आदमी है, बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें उन्होंने तो कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है, अब पता नहीं कौन कौन इसमें मुलव्वस है।